Good morning, student. So we are going to start with the lecture number 3, and the content which we are going to cover in lecture number 3 is brickwork. So brickwork start karne se pehle main aapko kuch thumb rule batana chahta hu lecture se related. So kuch basic thumb rule hai jo aapko pata hona chahiye calculation se pehle, jo ki aapko help karenge calculation mein. So aapko maine previous lectures mein bataya hua hai ki jo material hai, material ko m se likhta hu, तो वो टोटल बिल में 50 से लेके 55% कैरी करते हैं. वेस्टेज मटेरियल पे डिपेंडेंट है कि आप किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, फिर भी वो 1% से 2% के बीच में होता है. लेबर या फिर मैन पावर ये 25 से 30% होती है. मशीनरी या फिर टूल एंड प्लांट ये 2 से 3% होगा जो लेबर की कॉस्ट आ रखी है उसके. इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस मैं 1 से 2% के बीच में लेता हूँ टोटल कॉस्ट का. जो मेन है वो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट. वो अपना रहेगा 10%. ठीक है, और मैं आपको कुछ ब्रिक वर्क से रिलेटेड भी बताइए. तो बहुत जनरल से थंब रूल मैंने आपको बताए जो आपको चीज समझ में आनी चाहिए. मैं आपको कुछ और थंब रूल बता देता हूँ. पहले तो आपको ये चीज समझनी चाहिए दो टाइप की ब्रिक होती है. एक मॉड्यूलर जिसका साइज आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 19 × 2. एक होती नॉन मॉड्यूलर. तो नॉन मॉड्यूलर जो ब्रिक होती है वो तो 23 × 11 × 7 ये सेंटीमीटर में डायमेंशन दे रखी है दोनों. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्रिक ही साइड पे यूज होती है, ये ब्रिक साइड पे यूज नहीं होती है. तो सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग अगर हम ये वाली ब्रिक यूज करते हैं तो 1 m³ में ये वाली ब्रिक हमारी 494 ब्रिक यूज हो जाती है. वहीं ये वाली ब्रिक 500. और अगर मैं इन्हीं ब्रिक की बात करूं क्यूबिक फुट के बारे में, 1 क्यूबिक फुट तो ये 13.5 होंगी. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जेई में पूछा जा सकता है. 13.5 ब्रिक यूज होंगी अगर आप 1 क्यूबिक फुट की बात करते हैं. ठीक है, सो आपको पता होगा ब्रिक बॉन्ड जब बनता है, ये ब्रिक बना रहा हूं मैं, और स्पेसिंग कुछ ज्यादा कम हो सकती है, तो इनके बीच में जो गैप होता है यहाँ मोटर भरते हैं. तो मोटर ऑलमोस्ट 10 mm का होता है. फिर यहाँ फ्रॉग जो होता है ब्रेक के ऊपर उसमें भी कुछ मोटर होता है. तो जो जनरल कंसिडरेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसको ढंग से समझिएगा, वो हमेशा 1 m³ ऑफ ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क को मैं BW लिखता हूँ, तो उसमें कहा जाता है कि जो ये मोटर का काम होगा वो हमेशा 0.25 ही होगा. मीन्स 1 m³ के ब्रिक वर्क में 0.25 मोटर होगा, 0.25 m³. ठीक है, सो आपको मैंने बेसिक बेसिक सारे थंब रूल बता दिए. अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक वर्क का एस्टिमेशन करना कि 1 m³ के लिए हम कितना मोटर यूज करते हैं. तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आपको 1 m³ का ब्रिक वर्क का एस्टिमेट करना है, ब्रिक वर्क का, ठीक है, और उसके साथ ही आपको 1:6 का मोटर यूज करना है. आपको एक थंब रूल और बताना चाहता हूँ जो आपको लास्ट क्लास में मैंने नहीं बता पाया. आप लोगों ने लास्ट क्लास में प्लास्टर का एस्टिमेशन कर लिया था. अब प्लास्टर 1:6 का आप करना चाहें या फिर उसको आप सीमेंट मोटर की तरह यूज करना चाहें, मतलब ब्रेक में यूज करना चाहते हैं, उनके बीच में यूज करना चाहते हैं, या फिर 1:4 का करना चाहते हैं, तो आपको जो चीज याद करनी चाहिए क्योंकि बार बार आप कैलकुलेट नहीं करोगे, तो हमें यह पता है कि 1:6 में जो आइटम जो सीमेंट की बैग केजी में आते हैं वो 380 से 405 किलो तक आता है. मींस अगर आप उसको लमसम बोलोगे तो कितना होता है 50, मतलब 8 बैग के करीब. वहीं इसमें अगर आप देखो तो 240 से लेके 256 तक आता है, ऑलमोस्ट 5 बैग सीमेंट के. ठीक है, और दोनों में ऑलमोस्ट 1.07 क्यूबिक मीटर सैंड आती है. 1
एक मीटर क्यूब ही मान लो, एक में 1.07, एक में 1.23 ऐसा कुछ आता है क्यूबिक सेंट। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ थंब रूल बता दिया, क्योंकि जनरली आप देखते हैं सिविल इंजीनियर को जज करने के लिए अगर कोई आपसे सोसाइटी का कोई पूछता है कि आपको इतनी बड़ी ब्रिक वॉल दे रखी है इतने मीटर क्यूब का, तो आप बताइए कि उसमें कितनी ब्रिक्स हैं, कितना मोर्टार लगेगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितनी लगने वाली है, साथ में ये भी बता पाएंगे कि इसमें ब्रिक्स कितनी लगने वाली है, जो सबसे मेन चीज़ है। आप एट द एंड ऑफ द डे पे आप लमसम कॉस्ट बता पाओगे इसमें कितना रुपया आपको देना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल होगा 1 मीटर क्यूब के ब्रिक है, ब्रिकवर्क करना आपको, 1:6 का प्लास्टर काम करना है, प्लास्टर नहीं सॉरी मोर्टार यूज होगा ब्रिक को चिपकाने के लिए, ब्रिक को बाइंड करने के लिए आपस में, तो आपको ये तो यूज करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि टोटल पैसा लगने कितने वाला है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मैंने एक्सेल शीट में सॉल्व कर लिया है, लास्ट टाइम मैंने देखा था कैलकुलेशन एरर काफी ज्यादा आ रही थी, तो मैंने इसलिए एक्सेल शीट में पहले से सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को। आप लोग चीज समझते जाना, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब क्वेश्चन देखते, तो मैंने ये क्वेश्चन मेरा ही है क्वेश्चन, देखिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। देखो सबसे पहले 1:6 का मोर्टार निकालते हैं। देखो तो मोर्टार में मटेरियल क्या है, ओपीसी है, ओपीसी मतलब पोर्टलैंड सीमेंट है। अब सीमेंट ला रहा है कोई साइट पे तो उसका कॉस्ट तो लगेगा, कैरिज चार्जेस सेंड होगा, सेंड का भी चार्जेस लगेगा उसको लाने का। तो सबसे पहले मैंने बोला 5 बैग निकलेंगे, मैंने आपको थंब रूल के थ्रू बताया था कि 1:6 में 250 kg सीमेंट होता है तो 5 बैग होंगे उसमें, 300 रुपये का एक बैग माना मैंने इसमें, 300 रुपये का जब एक बैग बोलते हैं तो आपके पास 1500 अमाउंट हो जाता है। साइट पे मैं ये CPWD के अकॉर्डिंग ये बिल सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये काफ़ी कुछ स्टैंडर्ड बिल है और मैंने ये आज सुबह ही किया इसको। सो आप कैरिज अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो पर बैग पे 3 रुपये लेता है, तो हमारे 5 बैग हैं तो ये 15 हो गए। ठीक है, क्लियर। अब सेंट की बात करता हूँ तो 1.08 आती है, 1500 रुपये रेट है, CPWD का रेट 1400 रुपये चल रहा है, मैंने 1500 ले लिया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको 1500 सॉल्व कराया था, तो उसका 1620 रुपये हो जाता है। कैरिज कॉस्ट दे रखा है, क्योंकि कैरिज कॉस्ट का क्या है, 1 मीटर क्यूब का रेट होता है उसमें, 1 मीटर क्यूब का 150 रुपये है, 1.08 का उसने अगर आप हिसाब लगाओगे तो 162 रुपये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब लेबर की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्यूबिक मीटर का जो मोर्टार होता है 1:6 हो, 1:4 हो या 1:2 हो, मैंने आपको लास्ट टाइम जब बताया था तो वो मैंने एक एजम्पशन लेके एक सॉल्व किया था। तो बेलदार बिस्ती जिसका काम मिक्सिंग क्यूरिंग का होगा, क्योंकि मोर्टार में ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ मिक्सिंग और मेजरिंग का काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ मटेरियल को बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो 0.75 और 0.07 ही एफिशिएंसी के होंगे। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये आपको इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल आंसर निकालने के लिए इनकी जरूरत हमेशा ही पड़ेगी। तो बेलदार बिस्ती 0.75 और 0.07 लगेगा, नो मैटर आपका रेशियो क्या है। ठीक है, तो 400 रुपये इसका पर डे का रेट है और बिस्ती का 400। बिस्ती का मैं बता चुका हूँ, ये वो इंसान है जो लास्ट में क्यूरिंग करता है, आपका मटेरियल असेंबल करके देगा, एक साथ में जो कहते हैं ना जो सीमेंट सैंड को मिक्स करने वाला काम करता है वो यही होता है, और बेलदार सैंड सीमेंट को उठा के मटेरियल को मेन मेसन के पास सप्लाई करता है। तो उसका रेट मैंने देखा 0.07, 28 रुपये का काम करता है या 300 रुपये का काम करता है। तो आपकी बात समझ में आती है, मतलब कि एक क्यूबिक मीटर का मोटार काम करने के लिए सिर्फ 328 रुपये की आपकी यहाँ लेबर लग रही है, बट इसमें वो अभी तक अप्लाई करने वाली लेबर नहीं लगी है। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे होता है। मशीनरी की मैं बात करता हूँ, मैंने LS मतलब लमसम होता है, ये 3% दे रखा है किसका, 328 का। मैंने आपको प्रीवियसली थंब रूल में बता रखा है 328 का आपको 3% लेना है, तो ये 9.84 हो जाता है। तो टोटल चार्जेस अभी तक 3634 हो चुके हैं, देखो आपको समझ आ रहा होगा। अब वाटर की मैं बात करता हूँ, वाटर टोटल अमाउंट का, वाटर टोटल अमाउंट का सिर्फ 2% लगने वाला है, तो आप 2% आपने लगाया तो 72 रुपीज हो जाता है, तो ये 73 मान सकते हैं। और टोटल में 1 क्यूबिक मीटर मैं कह सकता हूँ, यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 क्यूबिक मीटर 1:6 मोटर के लिए जो अमाउंट लगा है वो 3707 लगा। क्लियर, बट एक बात समझने वाली है, जब मैं कहता हूँ 1 मीटर क्यूब में
मेरी 494 नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स लगती हैं, तो उसमें मोर्टार 0.25 लगता है। तो अब मुझे देखना है कि मेरा मोर्टार 1 m³ में यूज करूंगा नहीं करूंगा, वो देखते कैसे होता है। अब मैं ब्रिक वर्क की बात करता हूँ जिसमें मोर्टार यूज होने वाला है 1:6 का। मटेरियल क्या है? नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स, मैंने साइज दे रखा है। आपको बिल्ड रेटो इसी फॉर्मेट का बनाना होगा। यूनिट में हम नंबर्स लेके चल रहे हैं, यहाँ बैग्स थे या क्यूबिक मीटर था, तो यहाँ नंबर चल रहा है। तो 494 ब्रेक्स है, 5 रुपये का रेट लगा रखा है, GPWD के रेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, 2470 पड़ा। इसको आप क्रॉस चेक करेंगे तो यही आएगा। कैरिज कॉस्ट की बात कहता हूँ, एक ब्रेक का 50 पैसे लगता है, तो उस हिसाब से 247 इसका रेट आ जाता है। सीमेंट मोटर की मैं बात कहता हूँ, मैंने बोला 1 m³ के ब्रेक वर्क पे 0.25 m³ होता है सीमेंट मोटर। तो 0.25 सीमेंट मोटर होता है, जबकि 1 m³ के सीमेंट मोटर का रेट होता है 3707। तो मैंने 1 m³ का 0.25 यूज करने वाला, तो उसका रेट निकल आएगा, करेक्ट? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। लेबर की बात करता हूँ। देखो बेटा, यहाँ जो लेबर का काम हो रहा है अभी तक, यहाँ लेबर ने सिर्फ आपको मटेरियल बना के दिया है, उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ लगेगा। तो आप देखो, लेबर भी दो टाइप के, एक मेसन है, क्लास वन मेसन है, क्लास टू मेसन है। क्लास टू मेसन और क्लास वन मेसन में डिफरेंस क्या है? जो क्लास वन मेसन होता है ना, काम शुरू होने वाला है। अब कहाँ से काम शुरू, कहाँ से लेआउट शुरू करूँ, कहाँ ब्रेक वॉल स्टार्ट होने वाली है, ये आपको कैसे पता लगेगा? ब्रेक वॉल स्टार्ट करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, वो जो क्लास वन मेसन है उसको ड्राइंग पढ़नी आती होगी। तो जब ड्राइंग पढ़नी आती है तो उसके चार्जेस भी ज्यादा होंगे। तो वो बोलता है कि 1 m³ के ब्रेक वर्क को करना है आपको, तो आपको 0.36 क्लास वन मेसन लगेगा। सिमिलरली क्लास टू मेसन आपको कितना लगेगा? 0.36। वो क्या करने वाला है? जो क्लास वन मेसन है वो आपको सिर्फ बता देगा कि ये लाइन रही, पहला मोटर वो जमीन पे बिछा देता है, ऐसे करके लेआउट कर देता है। इसके ऊपर पहला जो सेक्शन बनने वाला है ब्रिक का, टॉप व्यू से मैं बताता हूँ, ये ब्रिक का जो सेक्शन बनने वाला है वो क्लास वन वाला करके देगा। क्लास वन वाला ड्राइंग पढ़ सकता है, इसलिए वो लेआउट करता है, इसलिए उसके रेट ज्यादा है। क्लास टू वाला इस ब्रिक के बेड के बाद सेकंड बेड, थर्ड बेड और फाइनल सीलिंग तक क्लास टू ही करेगा। क्लास वन वाले का काम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रंगत देना, ये रंगत देता है, आपको इनिशिएट करके देता है, ठीक है। बेलदार भिस्ती का काम वही है, सेम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, 0.75 0.07। रेट मैंने 400 400 सेम लगा दिए, 328 रुपये हो गए। यहाँ रनिंग चार्जेस आपको दिखा रखे हैं, रनिंग चार्जेस दे रखे हैं, लमसम टोटल उनके कॉस्ट का 724 रुपये, ये रहा 3% लगा तो 21 रुपीज़ आ गया। लेबर के कॉस्ट का 724 लग जाता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का मैंने 2% कंसिडर किया हुआ है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने वाटर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी इंक्लूड कर रखा था, तो आपको चीज नोटिस करनी होगी, कोई भी चीज सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। ब्रिक के वाटर की बात कह रहे हैं हम, यहाँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भले ही यूज नहीं हो, मैंने क्लोज में डाल दिया है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर मटेरियल यूज होता तो टोटल 2% कंसिडर करते ही है, क्योंकि वाटर में आप ब्रिक की क्यूरिंग करनी है अप्लाई करने से पहले, तो हम या ब्रिक जब आपका मोटर बन जाएगा और ब्रिक वॉल खड़ी हो जाएगी उसके बाद की क्यूरिंग, तो उसमें 2% हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो टोटल कॉस्ट अपने पास ये आ चुका है, कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट पर मैं टोटल कॉस्ट पे लगा देता हूँ, 447 होता है, तो फाइनल प्राइस हमारे पास ये आ जाता है। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर मैं इसका कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो आपको ये चीज समझनी है कि अपने पास 1 m³ के 1:6 के मोटर के प्लास्टर के साथ जो ब्रिक वर्क होने वाला है वो 4925 का हो रहा है। इसमें काफी कुछ चीजें स्टैंडर्ड में आपको बता चुका हूँ, बेलदार और भिस्ती वाली बात को या आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेलदार भिस्ती जो है 0.75 और 0.07 ये आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी इतनी रहेगी, मतलब 3/4 डे काम करने वाला अमाउंट इसको मिलने वाला है। सिमिलरली भिस्ती का काम तो तभी होगा ना जब वो पानी मिलाएगा, पानी मिलाने का ही काम रहता है, तो वो ज्यादा टाइम पानी नहीं मिलाएगा, क्यूरिंग करेगा, नहीं तो जो मटेरियल बनेगा जब आपका मिक्सचर बन रहा होगा मोटर का तब वो पानी मिलाने वाला है। और सेकेंड थिंग है जो इम्पोर्टेंट है, वो मेसन जो होने वाला है क्लास वन का और क्लास टू का, ये दोनों चीज को आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये बंदा लेआउट कर सकता है, इसलिए इसके रेट ज्यादा है, 600 रुपये मैंने लगा दिए, ठीक है। तो आपके लिए जो मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ वो है 10 m³ का ब्रेकवर्क आपको करना है, ठीक है, 1:4 का मोटर यूज करते हुए,
बाकी सारा डेटा जो है वो आप अज्यूम कर सकते हैं या फिर जो मैंने बिल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए ब्रिकवर्क इतना ही। आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3 हो जाने के बाद आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं मेल आईडी आपको दूंगा, आपको सबमिट करनी होगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर उस टाइम बाद।